ओम साई राम। दोस्तों, आज हम आपके साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो दो अलग तरह से बनाएंगे। आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें लग। ये हमने चार बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, एक चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और भूनने के लिए तेल। सबसे पहले हम तेल गरम करने के लिए कढ़ाई गैस पर चढ़ाते हैं। टू से थ्री टेबल स्पून तेल डालेंगे कढ़ाई में। ये हम रिफाइंड तेल यूज किए हैं, आप सरसों तेल में भी कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब उसके बाद हम बाकी के ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा हल्दी डालेंगे तेल में। हल्दी पहले डालने से कलर अच्छा आता है। इसमें अब हम धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल करके अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से। दो मिनट धीमी आंच पे। अब आलू मैश करके इसमें डालेंगे। आप इसे थाली में भी मैश करके डाल सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल रही हूँ टुकड़ों में करके। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अच्छे से वो भून भी जाए। आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला, अगर अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं। पाँच मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। हमारा आलू भून के तैयार हो गया है। थोड़ा भुनने के बाद ये ड्राई हो जाता है। अच्छे से भुना रहेगा तो और ज़्यादा टेस्ट आता है, वरना ऐसे खाली उबला हुआ आलू गीला गीला सा लगेगा। अच्छे से भून लेंगे। अब हम प्याज कट करेंगे। एक प्याज हम उस पर स्लाइस लगाने के लिए कट करेंगे स्लाइस के रूप में, और दूसरा वाला प्याज हम एकदम बारीक काट कर तैयार कर लेंगे, एकदम छोटा छोटा बारीक कट करेंगे। ये हम मलाई के जो सैंडविच बनाएंगे उसके लिए कट कर रहे हैं, मलाई और प्याज मिर्चे के साथ। प्याज कट कर लिए, हमारा प्याज कट के रेडी हो गया है। एक हरी मिर्च काट लेंगे, बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों को बहुत तीखे पसंद नहीं आती है इसलिए एक ही मैं डाली हूँ। आपको और चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं अगर आपको लगेगा तो। प्याज कट गया, एक कटोरी में ले लेंगे। उसमें अब हम मलाई हम फ्रेश लिए हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेकिन हल्का नमक डालेंगे क्योंकि इसमें ज़रा सा भी नमक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत ज़्यादा हो जाएगा। 2 चम्मच मलाई लिए हैं, ये ताज़ी दूध की ताज़ा मलाई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फटाफट हम 8 ब्रेड लिए हैं जिससे कि 4 सैंडविच तैयार होगा। 2 आलू के बनाएंगे, 2 मलाई से बनाएंगे। पहले एक तरफ हम देसी घी लगा लेंगे। सारे ब्रेड पर देसी घी लगा के हम रेडी कर लिए हैं। आप देसी घी की जगह बटर भी लगा सकते हैं, बट मुझे देसी घी अच्छा लगता है इसलिए हम देसी घी ही लगाए हैं। आप बटर भी लगा करके उसको रेडी कर सकते हैं। अब उस पर आलू को स्प्रेड करेंगे।
आलू के मसाले को हम उस पर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद दो स्लाइस प्याज के उस पर लगाएंगे। हम दो सैंडविच आलू के तैयार किए हैं, वैसे ही दो मलाई के भी तैयार करेंगे। जो प्याज और मलाई का बैटर तैयार किए थे उसको हम ब्रेड के ऊपर पहले फैला लेंगे। दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, दो बनेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा अब टेस्ट लाने के लिए काली मिर्च का पाउडर जो है स्प्रेड करेंगे, हल्का सा छिड़क देंगे। इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब गर्म होगा तो मलाई पिघलेगी और एब्जॉर्ब करेगा, तो जो काली मिर्च है वो ब्रेड में एब्जॉर्ब होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से दोनों तैयार कर लेंगे। हमारा तैयार हो गया है। अब हम तवा चढ़ाएंगे गैस पर। दो आपको हम तवे पे करके दिखाएंगे और दो आपको सैंडविच मेकर में करके दिखाएंगे, ताकि अगर आपके पास वो हो तो आप उस पर बनाएं, नहीं है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। एक आलू का और एक प्याज का और मलाई का इसमें एडजस्ट करेंगे। इसे बंद कर देंगे। अब हम तवा में, हमारा तवा गरम हो गया है। अब हम तवे पे उसको सेकेंगे। इसको आराम से हल्के हाथ से दबाते हुए अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे। जब दबा दबा के सेकेंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और खाली ऐसे सेक देंगे तो फिर वो एक दूसरे से बाइंड नहीं होगा। जब दोनों ब्रेड एक साथ रहेगा तो और अच्छा लगेगा। तवे पे और ज़्यादा जल्दी बनेगा और थोड़ा सा सैंडविच मेकर में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या, 2 से 3 मिनट उसमें लगता है। इस पर बहुत जल्दी 1 मिनट में तैयार हो जाता है इस पर। लेकिन तवे पे थोड़ा संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि जलने का भी डर रहता है। अच्छे से उसको दबा दबा करके ब्राउन होने तक सेकेंगे। फिर इसी तरह से हम प्याज और मलाई वाला भी सेक करके रेडी कर लेंगे। थोड़ा दबा दबा करके ही सेकेंगे। ये भी तैयार हो गया। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए एकदम। अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। इसको हम लोग चाकू से कट कर लेंगे। दोनों सैंडविच को कट करके, इस वाले को भी कट करेंगे। आप स्क्वायर शेप में या फिर बिना कट किए भी दे सकते हैं, आपको जैसे, बच्चों को लेकिन खाने में आराम रहता है कट करने के बाद। मैं इसे बटर के साथ सर्व कर रही हूँ और वो वाले को सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे खाइए, बनाइए और अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमको अपने कमेंट्स, मेरे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिए।